हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी कास्टिंग जो है ना वो ऑन गोइंग है। ये कॉलम पेडिस्टल की और इस साइड की कास्टिंग हो गई है और इस साइड की हो रही है। और ये पंप ऑलरेडी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 36.4 मीटर से इसकी लेंथ है। और ये आप देख सकते हैं कास्टिंग जो है, कंक्रीट पोरिंग ऑन गोइंग है। कास्टिंग से पहले आप देख सकते हैं ओल्ड कास्टिंग हुई हुई है, उस सरफेस के ऊपर बॉन्डिंग एजेंट जो है ना वो अप्लाई करना है। बॉन्डिंग एजेंट इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि इसकी जो बॉन्डिंग है फ्रेश कंक्रीट और ओल्ड कंक्रीट के साथ प्रॉपर हो सके, इसलिए ये केमिकल अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे हाफ कास्टिंग करके इसके अंदर वाइब्रेटर यूज़ किया जाएगा ताकि कंक्रीट की प्रॉपर कंपैक्शन हो सके। वाइब्रेटर जो है वो स्टैंड बाई होना चाहिए, कास्टिंग करने के बाद इसके ऊपर वाइब्रेटर यूज़ लाजमी करना ताकि इसकी कंपैक्शन प्रॉपर हो सके और एयर वाइड्स जो है ना वो इसके अंदर ज़्यादा और बबल्स ना बने शटरिंग के अंदर वाली साइड पर। अब पंप मूव कर रहा है दूसरे कॉलम पेडिस्टल की तरफ कास्टिंग के लिए, देख सकते हैं। ये कंट्रोल कर रहा है पंप को, ऑपरेटर है इसके पास पंप को ऑपरेट करने के लिए। Thank you for watching. If you like this video, please subscribe my channel and share to your friends. See you in the next video.